हम तुम न मिलते अगर। लेकिन जो तुम चाहते हो ना वो हरगिज नहीं हो सकता। हिना की मंगनी हो गई तो क्या हुआ? कुरतुल ऐन को मैं अब भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मुझे तो ये बहराम हुरिया चांदी से कोई उम्मीद ही नहीं है। बस मेरी ऐनी है जो मेरा मान नहीं तोड़ेगी। मुझे पता है, भरोसा नहीं तोड़ेगी मेरा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो। स्कूल वाले मुझे इस्लामाबाद भेजना चाह रहे हैं एक साल का मैनेजमेंट कोर्स है। इस्लामाबाद साल भर के लिए? जी अम्मा, वो इस किस्म के मैनेजमेंट कोर्सेज तो वैसे भी मुख्तलिफ शहरों में होते हैं और मेरे करियर के लिए ये बहुत अच्छा मूव होगा। आप इतना अरसा अकेले रह लेंगी? रहना तो पड़ेगा ना, और वैसे भी मेरे साथ और लोग भी होंगे और मेरे लिए इस वक्त ये राइट करियर मूव है। मगर एनी, आप फिक्र ना करें, इस्लामाबाद ही तो जा रही हूँ। लोगों को तो इन कोर्सेज के लिए अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाना पड़ता है। ये तो सिर्फ इस्लामाबाद है और साल गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यानी तुमने फैसला कर लिया है? जी अम्मा। John, yes, Papa. Eating soup. No, Papa. Telling lies. परी? No, Papa. परी, अपने लिए फ्रिज से जूस निकाल लो। मामा, मैं खेल रही हूँ। परी, आप फ्रिज से अपने लिए जूस नहीं निकाल सकती? आजकल के बच्चे कुछ काम नहीं करते। क्या हो गया? क्यों डांट रही हो मेरी छोटी सी बेटी को? डांट नहीं रही हूँ, सिर्फ फ्रिज से जूस निकालने के लिए कहा है। और बेटियों को बचपन से ही आदत डालनी चाहिए काम करने की। हुरिया, ये तुम कह रही हो? तुमने कौन सा काम किया बचपन में अपने? छोटी सी बेटी है मेरी, उसको क्या जरूरत है काम करने की? फारूक, तुम अब मुझे ताने भी दोगे? मुझे लेक्चर क्यों दे रहे हो अपनी अम्मी की तरह? अम्मी कहाँ से आ गई बीच में? अच्छा चलो ठीक है, तुम जीती मैं हार, सही है? अब कुछ खिला तो ना, बहुत भूख लग रही है मुझे। बना रही हूँ। क्या कर रही हैं? क्या खेल रही हैं? बॉक्स। ये? ये मुझे एनी खाला ने दिया। हैं? एनी खाला ने दिया आपको? ये तो बहुत प्यार है, बिल्कुल मेरी परी की तरह। मामा तो कहते हैं कि परी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरी शिकायतें शुरू कर दी? ऐसे कहते हैं? मामा मजाक करती है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी परी सारी दुनिया के बच्चों से सबसे ज्यादा प्यारी है। अच्छा आप खेलें, मैं आया जरा मामा के साथ किचन में जरा काम करवा दूं। तुमसे कितनी दफा कहा है कि बच्ची के सामने इस तरह की बातें ना किया करो? छोटी है, जहन में बुरा असर पड़ता है। कब बड़ी होगी तुम हुरिया? फर्रुख, हमारी अम्मी आज भी यही बातें करती हैं और हम ये बातें बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। देखो जरूरी थोड़ी है कि अगर तुम्हारी अम्मी गलत थी कहीं पे तो तुम भी वही गलती दोहराओ। अच्छा, मेरी अम्मी की गलती? खुद तो अपनी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते, क्या ये खुला तजाद नहीं?
देखो पुराने लोग थे, पुरानी सोच थी, पुराना जमाना था, जमाना बदल गया ना, उसके साथ लोगों की सोच भी। अब जरूरी थोड़ी है कि जो गलतियां हमारे बड़े करते थे हम भी वो गलतियां करें। हमें अपनी बच्ची को अच्छा मुस्तकबिल देना है, अच्छी सोच देनी है। फारूक तुम कितना बदल गए हो, तुम पहले तो ऐसी बातें नहीं करते थे। हाँ मैं बदल गया हूँ, क्योंकि वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, मैच्योर हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल मैच्योर नहीं हूँ, वही बचपन है। क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहती, और जिस रफ्तार से तुम बदल रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बूढ़े हो गए हो। मैडम खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी किस्मत में बुढ़ापा है। पता नहीं मैं बुढ़ापा देख सकूं ना देख सकूं। बातों में तो मैं तुमसे वैसे भी नहीं जीत सकती, तुम्हें तो बस अपनी बेटी से ही मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत जो हमेशा सदाबहार रहती है, बाप और बेटी की मोहब्बत। भाई दे दो चाय, कहाँ से आ रही है? श्रीलंका से। बस बन गई अम्मा, बन गई। शुक्र है चाय मिली, एक घंटा पहले मांगी थी। दरअसल बहुत सारे काम थे वही कर रही थी। और हमारे काम की बारी तो आखिर में ही आती है। नहीं ऐसी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई शुक्र है तुम भी घर आई हो। तुम तो ये थीसिस के चक्कर में एनी से भी ज्यादा मसरूफ हो गई हो। और एक हमारी बहू साहिबा, इनकी पता नहीं क्या मसरूफियत होती है कि हमारा काम करने में इनको दिक्कत होती है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ आपका ख्याल रखने की, अब बस घर में बहुत सारे काम होते हैं तो करो ना काम, किसने मना किया? वैसे भी पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनकी किस्मत में बहू का सुख लिखा होता है। यहाँ तो बेटा जबरदस्ती जिद में शादी कर ले तो कहाँ का सुख। किस बात का दुख है आपको अम्मा? और वैसे भी जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं ना। हाँ अम्मा भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, जोड़े आसमानों पे ही बनते हैं, और अब पुरानी बातें करने का क्या फायदा। तुम बस गैरों की तरफदारियां किया करो। अम्मा भाभी गैर नहीं है, वो हमारी अपनी है। हाँ बेटा वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम शुक्रिया। अम्मा जो होना था अब हो गया है, अब आप भाभी को कबूल कर लें। क्या क्या कबूल करूं? मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी बदल गई है चंद सालों में। अपना घर छूटा, अपना मोहल्ला छूटा, ये मकान मुझे पराया सा लगता है, जैसे मैं किसी गैर के घर में रह रही हूं। अम्मा वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं, लेकिन हमारे हालात तो बेहतर हुए हैं। इतनी अच्छी कीमत पर हमने अपना पिछला मकान बेचा, ये घर खरीदा, और हमने पैसे सेव भी किए। अगर आप मुझसे पूछे तो भाभी तो हमारे लिए लकी साबित हुई। चलो भाई अब ये सब भी उसी की किस्मत का हो गया। हमारी इतने सालों की मेहनत, हमारी कुर्बानियां, हमारा सलीका तो किसी शुमार में नहीं है। मैं देख रही हूं भाभी का बहुत रंग चढ़ गया तुम पर, तुम्हारा ये मेकअप, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बालों का अंदाज सब देख रही हूं। मैं तो बिला वजह हूरिया से नाला रहती थी। अब ऊपर जाकर एनी को शिकायतें मत लगाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम आ गए? जी। आप आईने में देखकर क्या सोच रही हैं? वक्त का अक्स देख रही हूँ। और क्या कहता है वक्त का अक्स?
वैसा नहीं है जैसा मैं देखना चाहती थी। आपा, आपको तो फलसफे पर किताब लिखनी चाहिए ताकि लोगों को आपकी फिलॉसफी की गहराई का अंदाजा तो हो। हर इंसान में एक फिलॉसफर छुपा होता है। उम्र के साथ फलसफे का रंग भी गहरा होता जाता है। हजार पेजेस की थीसिस के बाद भी मुझे ये मुश्किल बातें नहीं समझ आती। क्योंकि तुम अभी तक उस मकाम पे नहीं पहुंची जहां पे मैं खड़ी हूं। एनी, आपा, आप जैसा कोई नहीं है। खैर, आपको जेन ऑस्टिन की नॉवेल्स पसंद है? मैं आपके लिए जेन ऑस्टिन की एमा लेकर आई हूं। थैंक यू। वेलकम। चलती हूं। एक दिन मैं काम पे ना हूं ना, तुम लोगों से काम नहीं संभाला जाता। मैं कल आके देखूंगा। बहराम, तुम्हारी अम्मा मुझे हर वक्त ताने क्यों देती रहती हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? मुझसे क्यों करती है इतनी नफरत? वो खुद भी तो बेटियों की माँ है ना, किसी और की बेटी के साथ ऐसा सुलूक करते हुए उनका दिल नहीं कांपता? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं। अच्छा, तुम नाराज मत हो, मैं समझाऊंगा अम्मा को। वो कभी नहीं समझेंगी। और अब मैं भी उनकी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भी इंसान हूं, इस घर की बहू हूं, कोई मुलाजमा नहीं हूं। ज़ैनब, उन्हें थोड़ा टाइम और दो, देखना वक्त के साथ उनका रवैया ठीक हो जाएगा। वो अपनी बेटियों से तो प्यार करती नहीं है, बहू उसे क्या करेंगी। लेकिन बहराम, अब दौर बदल गया है। अब वो जमाना नहीं रहा जब लड़कियां चुपचाप हर जुल्म और सितम बर्दाश्त करती थी। अब हर इंसान अपने हुकूक की जंग लड़ना जानता है। अच्छा बाबा, अम्मा के रवैये के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अम्मा के खिलाफ जाके तुमसे शादी भी की। अभी भी तुम्हें मेरे प्यार पे एतबार नहीं है क्या? तुम्हारी वजह से ही चुप रहती हूँ ना, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। मेरी खातिर थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। अम्मा के बारे में नहीं, मेरे बारे में सोचो ना। अच्छा बताओ, कहाँ जाना है आज? छुट्टी है, कहीं चलते हैं। उरिया? उरिया, कल तुम्हें पैसे दिए थे, वो देना मुझे। कौन से पैसे? बिजली के बिल के पैसे थे ना, दो। वो तो आधे मैंने खर्च कर दिए। खर्च हो गए, लेकिन कहाँ? ऑनलाइन कुछ चीजें मंगवाई थी वहां। उरिया, अब तुमने पैसे खर्च कर दिए, बिल के पैसे थे वो। बिजली का बिल नहीं जमा करवाएंगे तो बिजली तो काट देंगे। क्या, बिजली कट जाएगी? बिल नहीं जमा करवाएंगे तो बिजली तो कटेगी ना। क्या करती हो होरिया? मैं अम्मी को फोन करके उनसे पैसे मांग लेती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं मैनेज कर लेता हूँ। खुदाफिज़। आपा, ये कबाब ट्राई करें, मैंने बिल्कुल वैसे बनाए जैसे अम्मा बनाती हैं। अच्छा, वाकई? अब ये बहराम और ज़ैनब को दावतनामा देना पड़ेगा कि आइए खाने की मेज पर तशरीफ ले आइए। अम्मा आ जाएंगे, अब ये घर ज़ैनब का भी है तो जबरदस्ती आई है वो इस घर में। हम कौन सा कोई खुशी खुशी उसको लेकर आए थे। लेकिन अब तो शादी हो गई है ना, तो फिर ये बातें करने का क्या फायदा? मैं कई दफा सोचती हूँ कि सारी रात ये फोन पर क्या बातें करते थे जो मेरा बेटा मेरे मुकाबले आकर खड़ा हो गया। अम्मा, बहराम खुश है और हमारे लिए बहराम की खुशी ही सबसे अहम है। बेटा, ये चार दिन की खुशी आगे जाकर क्या रंग लाएगी ये कोई नहीं जानता। और मैं तो उसकी माँ पर हैरान होती हूँ, कैसे खुली छुट्टी दी हुई थी बेटी को कि किसी भी गैर मर्द के साथ घूमती फिरती रहे। अम्मा, आप इन सब बातों को छोड़ें, आप खाना खाएं, आज मैंने इतना मजे का खाना बनाया है। अम्मा, हम लोग डिनर करने बाहर जा रहे हैं। जब घर में खाना पका है तो ये फजूल खर्ची क्यों? अब ये चोंचले भी होंगे। अम्मा, कभी कभार बाहर भी खाना खा लेना चाहिए, और अभी तो हमारे एंजॉय करने के दिन है ना।
जैनब का बाहर जाने का मूड हो रहा था तो मैंने सोचा हम खाना भी बाहर खा लेते। ठीक है हम आते। ये है वो भाभी जिसकी हिमायत तुम दोनों हर वक्त करती रहती हो, जिसने कभी झूठे मुंह भी ये नहीं कहा कि चलो तुम दोनों भी साथ चलो। और ये बहराम, इससे तब कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि हम घर से तो बाहर निकले। हाँ, और इसी बहाने तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी अम्मा को देखा था, हमारे जाते जाते भी हमें डांट दिया। ज़ैनब, दरअसल हमारे घर का माहौल कुछ मुख्तलिफ है और अम्मा वो तो अपने मिजाज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करती। पहले ना मेरा दम घुटता था तुम्हारे घर, लेकिन अब फिर भी आदत होती जा रही है। ज़ैनब, अब यही तुम्हारा घर है और घर जैसा भी हो साहिबान होता है, तुम इसे अपना घर समझो और दिल लगाओ। कैसे लग जाएगा दिल, एनी आपा स्कूल जाती हैं, फिर वहां से आती हैं तो कमरे में बंद हो जाती हैं, फिर पूरा दिन अपने कमरे में ही रहती है। चांदनी भी देर में आती है और आपकी अम्मा पूरा दिन मुझे ताने मारती है, और आप भी तो सुबह जाते हैं तो फिर रात को आते हैं, कैसे लगेगा मेरा दिल। तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, पहले भी इतने साल काम किया, पैसे कमाए ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। ज़ैनब, मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मेरे घर वालों को अपना समझो। हम आपके घर का माहौल अजीब सा है। क्यों? अब देखिए हम मियाँ बीबी, लेकिन बाहर आना जाना, शॉपिंग करना, हर काम अम्मा से छुप के करते हैं। घर में कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं होता, सब खुश्क संजीदा मिजाज के। सच कहूँ ना तो घुटन होती है मुझे। तुम मेरे घर वालों को उनके हाल पे छोड़ दो, तुम मुझ पर तवज्जो दो ना। इधर रखी दूध मलाई, उसको खाने मानो आए मानो को हमने पकड़ लिया। इतने दिनों बाद आई हो तुम। अम्मी मैं क्या करूं, फरुख इतने बिजी होते हैं टाइम ही नहीं मिलता, और परी ने भी मुझे घर पे पागल किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते, बच्चे तो घर की रौनक होते हैं, और मैं तो तुम्हें देखने के लिए तरसती रहती हूँ। तुम आती हो ना तो मेरी उदासी दूर हो जाती है। क्यों, चांदनी आपका ख्याल नहीं रख रही क्या? और अब तो घर पे भाभी भी आ गई। हमारी किसको परवाह है। अम्मी ऐसे क्यों कह रही हैं? क्यों ना कहूं, मैं तो चाहती थी कि ऐसी बहू घर में आए जो खानदान को जोड़कर रखे, मगर ज़ैनब तो अपनी जात में इतनी मगन है, उसे हमारे दुख सुख से क्या सरोकार। अच्छा चले, टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हूं। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल। और परी कैसी है? मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी आपको बहुत याद किया। हाँ ये तो है, परी ने आपको बहुत याद किया। अच्छा प्रॉमिस? आप मिल गए तो नहीं आती? जी मैं आपके घर नहीं आती, वैसे भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती, जब मुझे छुट्टी मिलेगी ना मैं आपके घर आ जाऊंगी। एनी खाला आपको पता है मन मुझे डांटा था, मैंने कहा मैं एनी खाला को फोन कर दूंगी। अच्छा मामा ने डांटा था? पूरी ऐसे क्यों करती हूँ, उसे ना डांटा करो, छोटी सी है। अब आपको मामा नहीं डांटेंगी। एनी आप ही जितनी आपके सामने शरीफ दिख रही ना उतनी है नहीं, मैं सोचती हूँ कि काश मेरा बेटा होता। ऐसी बातें नहीं करती मुझे, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास बेटी है। मैं आपकी भी तो बेटी हूँ। जी आप मेरी बेटी हैं। चलो पर चलते हैं और बुक्स भी पढ़ेंगे, बातें भी करेंगे और गेम्स भी खेलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह एनी आप ही की जान अटकी है परी में, लगता है एनी आप ही को भी बेटी की ख्वाहिश होगी। भांजे भांजियां भी औलाद की तरह ही होते हैं बेटा, बस कभी कभार देख के दुख होता है कि अगर उनकी शादी होती तो
आज उनकी भी औलाद होती। ये देखो, अंकली सब गिफ्ट मिली है, थैंक यू, आप सब अच्छी हैं। अच्छा ये देखो, ये डॉली अच्छी है जी, निकाल के दो। चांदनी कितनी गलत बात है, तुम मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। अम्मा की तो आदत है दूसरों की शिकायतें लगाने की, मैं और भाभी मिलकर अम्मा का बहुत ख्याल रखते हैं। देख रही हूँ चंद सालों में हम काफी बदल गए हैं। मगर तुम जरा नहीं बदली, मजाल है कि अकल आ गई हो। ये सारा तुम्हारा मेकअप है? भाभी ने मुझे मेकअप करना सिखाया, उन्होंने ही मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि कोई इतना चमक क्यों रहा है। देख लो। वैसे सुनो, तुमने कहीं भाभी के साथ मिलके पार्टी तो नहीं बना ली अम्मी के खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं है, भाभी बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है अम्मा का मिजाज कैसा होता है। वाह भाई, हर तरह से जैनब की वकील ही बोल रही है। बहराम का फोन आया था चांदनी, वो कह रहे थे कि खाना लेते हुए आएंगे, तो हमें ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं हुजिया के साथ थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर मैं आती हूँ। अब भाभी, मैं कह रही थी कि चांदनी को इतना ग्रूम कर दिया है आपने, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, अगर आज मेरा फेशियल हो जाए। हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों बातें कर लो, फिर जब फ्री हो जाओ तो मेरे रूम में आ जाना। सही है। आज सब कितने दिनों बाद सब साथ बैठे हैं ना, काम की मसरूफियत ऐसी है कि वक्त ही नहीं मिलता। हम लोग तो फिर भी आ जाते हैं, आप लोगों ने आना ही छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है बेटा, ये बस काम में इतना मसरूफ होता है और अकेले तुम इतनी दूर आ नहीं सकते, और जो वक्त इसको मिलता है बीवी के साथ गुजार देता है। मैं तो बेगम की वजह से बदनाम ही हो गया हूँ। बेगमात का रूप ही इतना होता है, शौहर बेचारे क्या करें, मासूम, बेगम की माननी पड़ती है। और बेगम की सुनो तो घर वाले ताने देते हैं, बंदा जाए तो जाए किधर। आपा, इतना अरसा हो गया हमारी तरफ नहीं आई, परी अक्सर आपका जिक्र करती है, खाला ने ये चीज दी, खाला ने वो चीज दी, और आप आती नहीं। काम की मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं, इस वजह से नहीं आ पाए, लेकिन अम्मा और मैं जरूर चक्कर लगाएंगे। मुझे भी आदत हो गई है ना, इसके बगैर कहीं नहीं जाती हूँ। आंटी, अब आपकी बहू आ गई है ना, आप इनको ही अपना साथी बना लें। हाँ, वैसे जैनब भाभी, अब आपको अम्मी का राइट हैंड बन जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक घर में बहू और सास को दोस्तों की तरह रहना चाहिए, इससे घर का माहौल भी खुशगवार रहता है। हाँ, वो सास बहू का रिश्ता तो अलग होता है ना, और वैसे भी दोस्ती तो अपने हम उम्र लोगों के साथ की जाती है। मगर होना ऐसा ही चाहिए है, ये हमारे माशरे में आम बात नहीं है कि बहू और सास सहेलियां नहीं बन सकती। फरोकी अम्मी, पहले मुझे भी मुश्किल हुई थी एडजस्ट करने में, लेकिन उसके बाद हम दोनों सहेलियों की तरह रहे। बेटा, रिश्तों में दोस्ती से ज्यादा इज्जत और एहतराम जरूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम आर्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है बेटा? बहुत अच्छी मैम। आर यू श्योर? यस मैम। मिस फरा, मैं जानना चाह रही थी कि आर्या की पढ़ाई में प्रोग्रेस कैसी जा रही है। मैडम, आर्या बहुत ज़हीन बच्ची है, इसे बस तवज्जो की ज़रूरत है। आपने आर्या की सारी एजुकेशनल डिटेल्स मेरे साथ शेयर करनी है, मुझे आपने कम्प्लीटली अपडेटेड रखना है। वो आप जानती हैं सर शावेज़ की बेटी हैं, और वो उनके बारे में बहुत परेशान रहते हैं।
जैसे कि आप जानते हैं नई क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मैंने आर्या की टीचर से बात कर ली है और उन्हें अच्छी तरह समझा दिया है कि आर्या का उन्हें ख़ास ख्याल रखना है और उसकी तालीम पर ख़ास तवज्जो देनी है। बहुत ज़हीन बच्ची है आर्या, अब तो उसकी अच्छी तालीम और तरबियत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। उसकी पढ़ाई पे मैं खुद ध्यान देता हूँ, उनके सारा वक्त हमारा साथ ही गुजरता है। आप एक बहुत अच्छे वालिद हैं। जिस तरीके से आपने आर्या की जिम्मेदारी उठाई है इसकी तो मिसाल कहीं नहीं मिलती। इंसान की जिंदगी में असली चैलेंजेस तो वालिदैन बनने के बाद ही शुरू होते हैं ना। दुरुस्त कहा आपने। शेक्सपियर ने भी क्या खूब कहा है, हम तब नहीं सीखते जब चीजें आसान होती हैं, हम तब सीखते हैं जब मुश्किलात का सामना करते हैं। बहुत अरसे बाद किसी से शेक्सपियर का कॉल सुना है। क्या करे, जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है, इतनी मसरूफ कब किसी से एक जुमला कहने की फुर्सत नहीं रही। मैं आपकी मसरूफियात को अच्छी तरह समझती हूँ। असल में किसी इंसान को समझना ही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, और जब हम एक दूसरे को समझ लेते हैं तो फिर सब गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। लेकिन बाज शिकवे कभी दूर नहीं होते, पछतावे बनकर दिल के किसी कोने में चलते रहते हैं। ये बाल ऐसे ही अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। भाभी ये बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके हाथ में बहुत महारत है। वैसे ना हर लड़की को मेकअप करना आना चाहिए। सब लड़कियाँ प्यारी होती हैं, बस थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत होती है। मैं तो बचपन से अम्मा से यही सुनती आ रही हूँ कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत ही नहीं हूँ, और मैंने भी बगैर सोचे समझे इस बात को कबूल कर लिया। देखो हर किसी की हर बात को सीरियस नहीं लेता, अपनी भी कोई सोच होनी चाहिए ना। भाभी हम तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, अम्मा इतनी स्ट्रिक्ट थी, ना हम कभी किसी रिश्तेदार से मिलते थे, ना हम कभी किसी दोस्त से मिलते थे। अम्मा बूढ़ी हो गई, उनका दौर अब गुजर चुका, अब नई नस्ल का दौर है, और हमें अपने घर में नए दौर के हिसाब से उसूल बनाने चाहिए ना। हमने तो कभी अपनी पसंद और नापसंद के बारे में सोचा ही नहीं। तो आप सोच लो, जो भी अम्मा कहती थी हम वो ही करते थे। एक वक्त आता है जान में जब जवान लोग बूढ़े लोगों की जगह ले लेते हैं, यही वक्त की रीत है। भाभी आप अम्मा से नाराज है ना, इसलिए आप ये सब कुछ कह रही हैं। तुम बुद्धू हो, तुम हालात को देखो और समझो। मैं तुम समझाती हूँ। अम्मा ने अपनी सोच के हिसाब से एनी आपा की शादी नहीं की, और अब एनी आपा दूसरों के बच्चों के साथ खेल के अपना दिल बहलाती है। अम्मा शायद बहराम की शादी भी ना करती, मगर बहराम ने हिम्मत दिखाई और हमारी शादी हो गई। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा रही हूं कि इंसान की अपनी पसंद और नापसंद होनी चाहिए, और सही तरीके से हमें उसका इजहार भी करना चाहिए। वैसे ये मेकअप ना तुम पे बहुत प्यारा लग रहा है, बस हम यही वाला मेकअप कंटिन्यू करें। थैंक यू भाभी, सब आपकी वजह से। अच्छा मैं तुम्हारी कोई ड्रेस पसंद करके आती हूँ, ठीक है?
फरों का बिजली का बिल जमा करवा दिया था? जमा करवा दिया था तभी तो इतने आराम सुकून से बैठी हुई हैं आप। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम अब पहले वाले फरुख नहीं हो। लोग सही कहते हैं, शादी के बाद मर्द बदल जाते हैं। ऐसे मत कहना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब हमारी जिंदगी में एक बच्ची है, तरजीहात बदल जाती है। एक मोहब्बत कभी कम नहीं होती, मोहब्बत कम होती कभी पुराना नहीं होता। 100 साल के बाद भी, सदियों बाद भी। सदियां किसने देखी है? मोहब्बत ने। हैनी आप ही की तरह फलसफाना बातें नहीं करो। मोहब्बत ना इंसान को फिलोसफर बना देती है। अच्छा सुनो, कल ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाऊंगा मैं। परी को लेके बाहर चलते हैं और घर पे खाना ना बनाना, खाना बाहर ही खाएंगे। सच्ची फरुख, हम कितने अरसे के बाद डिनर पे जा रहे हैं? सही कह रही हो, जल्दी तैयार हो जाना। मैं जैसे ही ऑफिस से निकलूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा। जल्दी तैयार हो जाना। हाँ हाँ जल्दी तैयार हो जाऊंगी। चलो हमें भी पुराना वाला फरुख देखने को मिलेगा। मैडम मैं आज भी वही पुराना वाला फरुख हूँ जो गली के कोने में खड़े होकर आपका इंतजार किया करता था, और आप वही हूरिया जिसने मेरा दिल चुराया था। अब तो हमारी शादी को कई साल हो गए, मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ना? इससे क्या फर्क पड़ता? मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती चाहे जितनी पुरानी हो जाए। बाबा बाबा ये देखिए मैंने कितनी अच्छी बनाई। अरे वाह कितनी अच्छी बनाई है, मेरी परी तो बड़े होके आर्टिस्ट बनेगी। परी जैसे ही बड़ी होगी मैं उसकी शादी करवा दूंगी। जवान लड़कियां घर पे बैठी हुई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और माँ बाप का भी यही फर्ज है। होरिया बच्ची बैठी है, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। क्या हो गया, कैसी बातें करने लग गई हो तुम? खैर मैं जा रही हूँ हम तीनों के कपड़े निकालने के लिए, कल की तैयारी भी तो करनी है। आपके पहन लिए कल? आपा? आपा? मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। भाभी ने मेरा मेकअप किया है, इतनी टैलेंटेड है। अच्छा लग रहा है, I like it। मुझे तो इस बात की समझ में नहीं आती घर में इतना गाढ़ा मेकअप लगाकर बैठने की तो क्या है। ज़ैनब तो खराफात में पड़ी हुई है, तुम्हें भी डाल दिया। अम्मा पहले आप हर वक्त कहती थी कि तुम प्यारी नहीं हो, अब तो मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बेटा असल खूबसूरती सादगी में होती है। अम्मा मेकअप से इंसान खूबसूरत बन जाता है। तो तुमने खूबसूरत बनकर किसको दिखाना है? ये जो बन ठन कर निकलने वाली लड़कियां होती हैं ना, ये जरूर कोई चांद चढ़ाती हैं। अम्मा क्या हो गया है, इस उम्र पे तो लड़कियों को मेकअप करने का शौक होता है। ये शौक नहीं है, बीमारी है जो हमारे घर के माहौल को खराब कर रही है। और तुम जो इतने गाढ़े रंग की लिपस्टिक लगाकर घूम रही हो, इसे साफ करो और किचन को देखो। क्या हो गया अम्मा, बिला वजह आपने बेचारी को इतना डांट दिया। बिला वजह नहीं डांटा है, कि उल्टी सीधी पटियां ज़ैनब उसको पढ़ा रही है, उसका बहुत बुरा असर पड़ा है इस पर। चूड़ा देखो साला ना जल जाए। बानो कहाँ रह रही है?
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वो दवाइयाँ ले आए हो आपकी? बेटा मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी खुशियां चाहिए। खुशियां ख्वाहिश करने से तो नहीं मिलती अम्मा, खुशियां तो किस्मत से मिलती। अब मेरी किस्मत में शायद यही लिखा। तुम्हें इस हाल में देख के मेरा दिल रोता है, और उस फाखरा को देखो। कितनी बार कहा है आपसे मत लिया करें उसका नाम लिया, अच्छा नहीं लगता मुझे। बेटा मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहती हूँ, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। खुश तो हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। आप फिक्र ना किया करें मेरी। अब थक गया हूँ मैं, आराम करने चाहिए। हम तुम ना मिलते।